नमस्कार, वीकेबी न्यूज की दोपहर की खबरों में मैं ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कामठी में किसानों की खरीफ फसल लगाने की तैयारी पूर्ण, बारिश से पहले बीज ना लगाने की मंजूषा राउत ने दी राय। नागपुर के स्मार्ट सिटी परियोजना पर राष्ट्रवादी कांग्रेस ने की चर्चा, प्लॉट धारकों को जल्द मिलेंगे डिमांड। और विधायक नीतीश राणे ने पत्र लिखकर मांगे प्रश्नों के उत्तर, अनधिकृत स्कूल निर्माण पर भी उठाए सवाल। अब खबरें विस्तार से। कामठी में इस साल 25,000 हेक्टेयर में खरीफ फसल लगाई जाने वाली है, जिसमें चावल, सोयाबीन और कपास की फसल लगाई जाएगी। इस बारे में कृषि अधिकारी मंजूषा राउत ने अधिक जानकारी दी। नागपुर जिले की कामठी तहसील में इस वर्ष 25,000 हेक्टेयर में खरीफ फसल लगाई जाएगी, जिसमें 11,000 हेक्टेयर में चावल की फसल लगाई जाएगी, जबकि 2,000 हेक्टेयर पर तुअर, 3,000 हेक्टेयर पर सोयाबीन की फसल और 5,500 हेक्टेयर में कपास की फसल का नियोजन किया गया है। किसानों के लिए खेती के लिए लगने वाले बीज, खाद तथा सामग्री की व्यवस्था बाजार और संबंधित विभाग द्वारा की गई है। वही किसानों ने फसल लगाने से पहले बीज प्रक्रिया तथा सामान्य बारिश से ज्यादा बरसात होने के बाद ही फसल लगाने की सलाह तालुका कृषि अधिकारी मंजूषा राउत ने दी है। आता या खरीपामध्ये आपल्याकडे आपण 25,000 हेक्टरवर नियोजन केलेलं आहे पेरणीचं, आणि याच्यामध्ये आपल्या जवळपास 11,000 एरिया हा भाताचा आहे, त्यानंतर 2,000 तूर आहे, 3,020 हेक्टर क्षेत्रावर आपण सोयाबीन पिकाच्या पेरणीचं नियोजन केलेलं आहे, त्याचबरोबर 5.5 हेक्टर क्षेत्रावर आपण कापूस या पिकाचं पण नियोजन केलेलं आहे। तर याप्रमाणे आपण खरीपाकरता नियोजन केलेलं आहे। तर यावर्षी जास्तीत जास्त खताचं नियोजन पण आपण या सर्व पिकाकरता केलेलं आहे। खताची उपलब्धता बाजारामध्ये सुरू झालेली आहे, बियाण्याचं पण आवंटन सुरू झालेलं आहे, आणि सध्या तरी खतं आणि बियाण्याचं कुठलीच कमतरता नाही आहे आपल्याकडे। खते बियाणे ही व्यवस्थित उपलब्ध झालेली आहे। सोयाबीन पिकाची पण सरीवरंबावर पेरणी किंवा पट्टा पद्धतीने पेरणी केली तर सततच्या पावसामुळे जे नेहमी नुकसान होतं ते काही प्रमाणात आपल्याला टाळता येणे शक्य आहे। त्याचबरोबर सर्व शेतकऱ्यांना आवाहन आहे की सर्व शेतकऱ्यांनी ही बीज प्रक्रिया करूनच, तूर आहे, सोयाबीन आहे, या पिकाची बीज प्रक्रिया करूनच पेरणी करावी। बीज प्रक्रिया केल्यामुळे आपल्याला बुरशीजन्य रोगांच्या पासून त्याचा सुरुवातीला जे बचाव होतो आणि पिकाची तेवढी परिस्थिती वाईट होणार नाही असं मला वाटतं। सोयाबीन पिकाच्या बाबतीत स्पेसिफिकली 100 मिलीमीटर पाऊस झाल्याशिवाय पेरणी करू नये, कारण जमिनीमध्ये उष्णता असते आणि त्यामुळे पीक बियाणं खराब होऊ शकतं। तर कमीत कमी 100 मिलीमीटर पाऊस झाल्यानंतरच ही पिकाची पेरणी करावी। वीकेबी न्यूज के लिए कामठी से नितिन रावेकर की रिपोर्ट। नवी मुंबई पुलिस ने निर्वासन नोटिस जारी किया था क्योंकि कई गंभीर मामले दर्ज किए गए थे। नोटिस वापस लेने के बाद जगदीश गायकवाड़ ने आज पनवेल में दायर किया। जगदीश गायकवाड़ के स्वागत समारोह में भाजपा विधायक प्रशांत ठाकुर भी मौजूद रहे। कल तक तड़ीपार नेता का स्वागत किए जाने पर नागरिकों ने हैरानी जताई। कैमरे खाली है ना, मुंबई आरे कॉलोनी के रॉयल पाम में रहने वाली नाबालिग छात्रा के साथ ओला टैक्सी ड्राइवर द्वारा छेड़छाड़ के मामले में आरे पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरे पुलिस ने नाबालिग छात्रा के बयान के बाद आरोपी ओला ड्राइवर मुरारी सिंह को गोरेगांव से गिरफ्तार किया है।
परिवार का आरोप है कि मुंबई में ओला टैक्सी ड्राइवर ने उनकी बेटी के साथ सिर्फ छेड़छाड़ नहीं की बल्कि अश्लील इशारे कर उसके साथ अभद्र व्यवहार भी किया। आपको बता दें कि 25 मई की सुबह करीब 10 बजे जब 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा विलेपार्ले मुंबई एयरपोर्ट से रॉयल पाम अपने घर आने के लिए ऑनलाइन ओला टैक्सी कैब बुक की तो वहां मुरारी कुमार सिंह नामक ओला टैक्सी ड्राइवर छात्रा को छोड़ने के लिए पहुंचा। पीड़िता जब टैक्सी पकड़कर रॉयल पाम अपने सोसाइटी पहुंची तब उसके पास टैक्सी का किराया देने के लिए छुट्टे पैसे नहीं थे। छात्रा ने ड्राइवर को बोला कि मैं छुट्टे पैसे लेकर आती हूँ, तब ड्राइवर मुरारी सिंह ने नाबालिग लड़की को अश्लील इशारे करते हुए बोला कि अगर पैसे नहीं है तो नीचे आ जाओ, मैं देता हूँ। पीड़िता ने पूरी घटना अपने परिवार वालों को बताई। इसके बाद नजदीकी आरए पुलिस स्टेशन में पहुंचकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। मुरारी ने लड़की को बोला था कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं होगा तो मुझे अपना दोस्त बना लो, तब लड़की ने उसे इनकार कर दिया था। मामला दर्ज होने के बाद आरए पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज और ओला टैक्सी कैब बुकिंग के माध्यम से आरोपी मुरारी सिंह को भगत सिंह नगर नयानगर गोरेगांव पश्चिम से गिरफ्तार कर लिया है। मुरारी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने आरोपी मुरारी सिंह को 30 मई तक पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया है। आरए कॉलोनी में डेट 25 मई को सुबह 10 बजे एक छोटी लड़की मुंबई टर्मिनल्स विले पार्ले 2 से अपने घर मयूर नगर पिकार्डली 3 में यहाँ पे आ रही थी। जब वो आते समय उन्होंने ओला के एक गाड़ी बुक किया था, उसमें बुकिंग करके जब वो बैठी उसे अकेला पाकर ओला के कार चालक ने उसको ऐसा कहा कि आपके तो कोई फ्रेंड नहीं होंगे, आप मेरे फ्रेंड बनोगे क्या। इस पर उसने कुछ भी मतलब रिएक्शन दिया नहीं। बाद में वो पूरे प्रवास के दरम्यान उसने उसको अश्लील नज़र से एक टक से देखा उसको, और जब वो पिकार्डली 3 में अपने घर आ गई तब उसने ऐसा कहा कि अगर आपके पास छुट्टे पैसे नहीं है तो नीचे चलो, मैं आपको छुट्टे पैसे देता हूँ, ऐसा बोलकर वो छोटी बच्ची को उसने आँख मार दिया। ये सब हकीकत उसने अपनी माँ को रात को शाम 7:30 से 8 बजे से आने के बाद अपनी माँ को बताया। जैसे ही माँ ने हमको आके पुलिस स्टेशन में 9:30 के आसपास पुलिस स्टेशन में आके उन्होंने हमको रिपोर्ट किया, तभी सभी घटना हमारे आदरणीय वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री शक्कर डोंबे साहब को हमने बताई। उनके मार्गदर्शन से हमने वो FIR उसका दाखिल कर दिया और सबसे तुरंत हमने उसको अरेस्ट कर दिया। और आज उसको अरेस्ट करके माननीय मैजिस्ट्रेट कोर्ट में उनको प्रोड्यूस किया है, तो माननीय कोर्ट ने उसको 30 तारीख तक की पुलिस कस्टडी रिमांड दे दी है। आरोपी मतलब ओरिजिनल फ्रॉम बिहार से बिलोंग करते हैं। वो गोरेगांव पश्चिम भगत सिंह नगर जो है वहाँ पे वो उनके चचेरे भाई के साथ रहते हैं। और उसके बारे में और कुछ अगर कुछ दूसरे पुलिस स्टेशन में अगर कुछ गुनाह वगैरह है तो उसकी हम जांच कर रहे हैं। आरोपी का नाम क्या सर? उसका नाम है मुरारी कुमार सिंह, उसका उम्र है 29 ईयर्स। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नगर अध्यक्ष दुनेश्वर भाऊ पेठे के साथ शहर के उपाध्यक्ष और नागपुर के पूर्व निरीक्षक रविश पांडे, स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटी नागपुर के CEO चिन्मय जी गोतमारे से मुलाकात के बाद उन्हें महाराष्ट्र राज्य में शहरी विकास राज्य मंत्री नियुक्त किया गया। चिन्मय जी गोतमारे के साथ नगर अध्यक्ष दुनेश्वर भाऊ पेठे व उपाध्यक्ष रविश पांडे ने स्मार्ट सिटी परियोजना के रुके हुए कार्यों को पूरा करने और अनियमितताओं को दूर करने के लिए विस्तार से चर्चा की और कई निर्णय जल्द लेने का भी आग्रह किया। प्राजक्ता तानपुरे को दिए गए पत्र को सौंपकर उनके नाम से पत्र देकर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत मौजा पारदी, मौजा भरतवाड़ा, मौजा पुनापुर और मौजा भांडेवाड़ी के तहत नसुपरा द्वारा नियमित किए गए लेआउट के भूखंडों की मांग शुरू कर दी। नसुपरा द्वारा यथाशीघ्र दिया जाना चाहिए ताकि लोगों को भवन निर्माण के लिए नक्शा स्वीकृत करने के लिए परेशान न होना पड़े, जिसके लिए शहरी विकास राज्य मंत्री डॉक्टर प्राजक्ता तानपुरे साहब ने भी इसकी अनुशंसा की है। श्री गोतमारे ने आश्वासन दिया है कि नसुपरा जल्द ही उन्हें अस्वीकृत पत्र देकर प्लॉट धारकों को डिमांड नोट देंगे और इस अवसर पर नियमितीकरण पत्र प्राप्त करेंगे। चिन्मय जी गोतमारे के साथ नगर अध्यक्ष दुनेश्वर भाऊ पेठे व उपाध्यक्ष रविश पांडे ने स्मार्ट सिटी परियोजना के रुके हुए कार्य को पूरा करने और अनियमितताओं को दूर करने के लिए विस्तार से चर्चा की और कई निर्णय जल्द लेने का भी आग्रह किया। उन्होंने सकारात्मक जवाब भी दिया। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Love you, Deepika. Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश।
पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। सभी का फिर से स्वागत है। नागपुर जिले के कामठी तहसील कार्यालय अंतर्गत आने वाले सोने गांव में नदी से आने वाली बाढ़ से होने वाली आपदा से बचने की एक दिन प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया था। यह आयोजन राज्य आपत्ति प्रतिसाद दल नागपुर की ओर से किया गया था। इस प्रशिक्षण में कामठी तहसील के महसूल विभाग के कर्मचारी, पुलिस विभाग के कर्मचारी और गाँव के युवा तैराकों को प्रशिक्षित किया गया। आपल्या इकडली आलेली ओबीएम कोणत्या कंपनीची आहे, स्टूल स्टोक आहे की फोर स्टोक आहे, ठीक आहे। जर आपल्याकडे ओबीएम स्टूल स्टोक आहे तर आपल्याकडे काय करायला पाहिजे, ज्यावेळेस आपण ओबीएम चालू त्यावेळेस ऑइल सोबत काय करायचं, पेट्रोल सोबत काय करायचं, आपल्याला ऑइल मिक्स करायचं आहे। जर फोर स्टोक असेल तर त्याच्यामध्ये काय करायचं, वेगळी समिती, त्याच्यासाठी फोर स्टोकसाठी वेगळी समिती, काय लुब्रिकेशनसाठी, जी आपली ओबीएम आहे त्याला लुब्रिकेशनसाठी त्याच्यासाठी वेगळं येते। त्यावेळेस काय, ज्यावेळेस आपण ओबीएम काय करतो याला माउंट करतो, त्यावेळेसच काय करायचं, आपल्याला ऑइल चेक करायचं। तुमच्याकडे बोट आहे पण तिचा वापर तुम्हाला जर शक्य नाही झाला तर आपण ते पूर्णपणे कार्यक्षमते त्या ठिकाणी दाखवून ठेवू आहे। ही मशीन तुम्ही बघा, ही बॅटरी ऑपरेटेड आहे, यांनी लवकर तुमचं काम होईल, तुम्हाला ही बोट जी आहे लवकर रेडी करता येईल। याच्यामध्ये 5 वेगवेगळे कंपार्टमेंट आहे, हवाईचे कंपार्टमेंट त्याला आम्ही म्हणतो नाही, नेहमी लक्ष द्या, जर बोट पंक्चर झाली तर घाबरायचं नाही। तुम्हाला असं वाटेल की बोट लगेच पाण्यात जाणार आहे, बोट पाण्यात डुबणार नाही, इतर सर्व कंपार्टमेंटमध्ये तेवढी खबर राहील की इझिली पाण्यामध्ये फ्लो होत राहील। दुसरी गोष्ट, आम्ही स्वतः फेर घेत आहे या ठिकाणी, त्याच्या मागे तुम्ही पाहू शकता त्या ठिकाणी ती मशीन ठेवलेली आहे। ती मशीन काय होते, तिला 2 गिअर आहे, न्यूटन कामठी तहसील अंतर्गत आने वाले सोनेगांव कन्हान नदी के किनारे सोनेगांव बसा है। इस गांव में हर वर्ष बाढ़ की स्थिति निर्माण हो जाती है। बरसात के मौसम में नदी का पानी गांव में घुस जाता है, जिससे गांव के नागरिकों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस मुश्किल की घड़ी में SDRF या MDRF टीम जाकर मदद करती है, परंतु इनकी मदद से पहले गांव के नागरिकों ने अपने आप ही किस तरह से सुरक्षा की जाए इसका प्रशिक्षण दिया गया। इसी अवसर पर VKB न्यूज के प्रतिनिधि नितिन रावेकर ने SDRF के उप पुलिस निरीक्षक मनोज परिहार से खास बातचीत की। अभी आने वाले कुछ दिनों में बरसात आने वाली है, बरसात आते ही कई गांव में बरसात का पानी घुस जाता है और उससे लोगों को जनहित हानि होती है। ऐसे वक्त
उनकी मदद के लिए आपत्ति दल वहाँ पे पहुँचता है। कभी ऐसा होता है कि आपत्ति दल आने में लेट हो जाता है, वही कुछ गांव लोगों को खुद और गांव की जो प्रशासन रहती है, पुलिस प्रशासन, तलाटी हो गया, मसूल प्रशासन, उनको सब में पहले वहाँ पे जाना पड़ता है। ऐसे वक्त उन्हें इस प्रकार की किसी प्रकार की किस प्रकार से लोगों को बचाना है उसकी कोई जानकारी नहीं होती है। पानी से लोगों को किस तरह का बचाव करना है इसकी किसी प्रकार की जानकारी नहीं होती है। इसलिए इस उद्देश्य आज यहाँ पर नागपुर जिले के कामठी तहसील अंतर्गत आने वाले कन्हान नदी पर सोने गाँव है, जहाँ हर साल बड़ी मात्रा में पानी गाँव में घुस जाता है। इसलिए इस गाँव में आपत्ति दल के कुछ अधिकारी कर्मचारी यहाँ पे उन्हें प्रशिक्षण देने आए हैं। इस समय हमारे पे आपत्ति दल के पीएसआई हमें मौजूद है, जानते हैं उनसे कि किस प्रकार से हमें इस आपत्ति से बचाने की कोशिश की सकती है और किस प्रकार का आपका प्रशिक्षण चल रहा है। क्या कहोगे सर आपको इस प्रशिक्षण के बारे में? आज एसडीआरएफ की टीम तहसील कामठी, इस तहसील में सोनेगांव करके गाँव है, जहाँ पर हम लोगों को जन जागृति के माध्यम से जो आने वाला हर साल जो पूरों से धोखा निर्माण होता है सोनेगांव गांव को, तो यहाँ पे किस प्रकार लोग अपनी जान बचाना चाहते हैं, गांव की जान बचाना चाहते हैं, तो किस प्रशासन जब भी ये पूर्ण निर्माण होता है इस गांव में तो प्रशासन आने में थोड़ा देरी होती है, तो उसके पहले गांव वालों ने कैसी जान अपनी बचना चाहिए वो पूर्व से, तो उस माध्यम से हमने यहाँ पर जो घर घर में सामान उपलब्ध है, एक जो आराम से मिल सके इस जो साहित्य हमारे पास है गाँव वालों के पास है, तो उससे हमने उनको बनाना सिखाया गया है और उसमें सामानों से किस प्रकार अपन यहाँ से पूर्व से अपन अपने लोगों को और गांव से जो सभी माध्यम से इनको ये प्रशिक्षण दिया गया है। निश्चित ही जो घर में अपने वेश पड़ी खाली बोतलें रहती है उसे अपने जान बचाने के लिए किस प्रकार से उपयोग लाए, ये प्रशिक्षण आज यहाँ पे उन्हें दिया गया है। निश्चित ही आने वाले समय पे अगर पूर्व परिस्थिति होती है तो गांव वाले स्वयं की रक्षा कर पाएंगे। नितिन रावेकर, वीकेबी न्यूज, कामठी। पुलिस उपायुक्त ने समाज की सुरक्षा के लिए कैमरे देश के समाज के लिए की अवधारणा को लागू करते हुए शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आह्वान किया था। इस आह्वान के जवाब में कल्याण डोंबिवली शहर में धर्मार्थ लोगों ने पिछले 3 महीनों में 3,000 से अधिक स्थानों पर कैमरे लगाए हैं, जबकि डोंबिवली विष्णुनगर पुलिस थाने और भाजपा नगर सेवक विकास म्हात्रे ने शहर के सोसाइटियों में 1,000 सीसीटीवी कैमरे दिए हैं। डोंबिवली के सहायक पुलिस आयुक्त जेडी मोरे के हाथों नागरिकों ने सुरक्षा के लिए तीसरी आग की मदद स्वीकार की। जबकि शहर में अपराध बढ़ रहा है, पुलिस के लिए सीसीटीवी कैमरों की मदद से कम समय में इस अपराध को सुलझाना और असली अपराधियों को पकड़ना भी संभव होता जा रहा है। जाहिर है कि शहर की सुरक्षा में सीसीटीवी कैमरे अहम भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि कई जगहों पर दुकानों के बाहर, सोसाइटी में और गलियों में सीसीटीवी कैमरों की कमी से पुलिस जांच में बाधा आती है। पुलिस उपायुक्त सचिन गुंजाल ने समाज की सुरक्षा के लिए समाज सेवी लोगों से आगे आकर शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाने की अपील की थी। पुलिस के आह्वान पर अब तक शहर में 3,000 कैमरे लगाए जा चुके हैं। भाजपा नगर सेवक विकास म्हात्रे, कविता म्हात्रे और डोंबिवली विष्णुनगर पुलिस स्टेशन ने डोंबिवली में विभिन्न समाजों को 1,000 सीसीटीवी कैमरे वितरित किए। आदरणीय भालेराव साहेब, मध्यंतरी एक 2-4 महिना पूर्वी गुन्हा घडला होता आणि ते गुन्हा आपल्या प्रभागामधला घडल्या कारणाने तो डिटेक्ट होत नव्हता काही ठिकाणी। त्या अनुषंगाने आम्ही जेव्हा एसीबी साहेबांना भेटलो आणि सिने साहेबांना भेटलो की साहेब असं डिटेक्ट होणार, तुम्ही कॅमेरे नाही म्हणून मी म्हटलं प्रत्येक 5 वर्षानंतर कॅमेऱ्याचे वाटप करतो आणि हा विषय निघाल्यानंतर साहेब आपल्याकडे साहेब बोलले की तुम्ही करू शकता, म्हटलं साहेब 5-50 कॅमेरे लावा, साहेबांनी सांगितलं तसं मी सांगितलं, म्हटलं प्रत्येक वर्षी 200-300-400 कॅमेरे मी प्रत्येक वर्षी म्हटलं जाणार नाही, 5 वर्षानंतर दिले, परंतु ह्यावर्षी आम्ही सर्वे केला की कुठे काय चालीवर्ग असल्या तिथे आपला डिटेक्ट होत नाही गुन्हा, अशी चर्चा झाल्यानंतर मी म्हटलं द्यायचं तर सर्वांना देऊया आपण उपक्रम, जेणेकरून कॅमेरे दिले तर आपल्याकडे पोलीस स्टेशनला तपास करण्याकरताना त्रास होणार नाही किंवा इझिली होईल, ह्या उद्देशाने आम्ही आमच्या दोन्ही प्रभागामध्ये सर्वे केला। त्या सर्वेअनुसार किती कॅमेरे लागतात त्या माध्यमातून जसे पाहिजेत, कारण रस्त्याला आता स्मार्ट सिटीमध्ये लागलेले आहेत, आतमध्ये खूप अडचण होते। पूर्वी पोलीस आमच्याकडे विष्णुनगरमध्ये अध्यामध्ये पोलीस देखील कमी असल्याकारणाने खूप गुन्हेगारीचा आता प्रभाव वाढलेला रस्ते डिपिंग कारण आणि मध्यंतरीत आपण बघितलं ते लग्न सरावमध्ये चोऱ्या देखील डिटिंग झाल्या, अशा बऱ्याचशा घटना आपल्या डोंबिवली पश्चिममध्ये घडत आहेत। त्या उद्देशाने आम्ही स्वतः आणि सिनियर साहेब भरेव साहेब आणि मोरे साहेब एसीपी मोरे साहेब चर्चा केल्या आणि त्या अनुषंगाने डीसीपी साहेबांशी देखील चर्चा सरांनी केल्यानंतर चांगला का उपक्रम आहे, हा उपक्रम आम्ही राबवला तर पुढचा
लोकप्रतिनिधी असेल त्यांनी देखील या डोंबिवली कल्याण शहराकरता प्रत्येकाने आपल्या पोलीस मदत करावं की जेणेकरून कुठला गुन्हा स्थिती घडायच्या अगोदर ते पोलीस स्टेशन तिथे डिटेक होऊ शकतो आणि त्या घटना घडायच्या अगोदर तो डिटेक होईल. आणि ह्या माध्यमातून हे कार्यक्रम आम्ही सर्व मिळून पोलीस स्टेशन विश्वनगर पोलीस स्टेशन आणि आम्ही मिळून हा कार्यक्रम राबला. हा कार्यक्रम पुढच्या प्रत्येकाने डोंबिवली कल्याणच्या शहराचे सर्व लोकप्रतिनिधी असो सोशल जो कोणी असेल कोणी व्यापारी असो नक्की हा करा आणि जेणेकरून आपल्या जीवाचा बचाव करा एवढंच मी इच्छा सांगू इच्छितो. अगदी बरोबर. तुम्ही जर गेल्या 3 वर्षाचा जर आढावा घेतला तर क्राईम डिटेक्शन हे वाढलेलं आहे आणि त्याचा मेन कारण आहे ते CCTV कॅमेरा. आमचे जे DCP आहेत त्यांनी एक संकल्पना मांडली होती की एक कॅमेरा देशासाठी. त्यानुसार आम्ही आमच्या झोनमध्ये झोन 3 कल्याणमध्ये ठिकठिकाणी लोकांना विनंती करून बऱ्याच ठिकाणी कॅमेरे बसवले. तसंच त्या टाईपच आम्ही सगळ्यांजवळ संपर्क साधताना श्री विकास म्हात्रे यांच्याशी चर्चा केली की त्यांनाही तुम्ही विनंती केली होती की काही कॅमेरे लावाबत. ते म्हटले मी पूर्ण 40-50 तर नाही मी हजारो कॅमेरे लावू शकतो. तसं पण त्यांनी प्रभागात त्यांच्या मॅडमच्या आणि त्यांच्या प्रभागात त्यांनी आज 1013 जे कॅमेरे लावले त्याच्यामध्ये 140 बिल्डिंग 60 ते 70 चॉल हे सगळे कवर होत आहेत आणि त्याचा नक्कीच समाजाला आणि सगळ्यांना पोलिसांना हा फायदा होईल जेणेकरून सगळ्यांची सुरक्षा होईल. काही अजूनही सोसायटी कॅमेरे जरी घेत असेल तर आपण त्यांना विनंती केली आहे आणि करतो आहे आणि त्याच्यापुढे ते ऐकतील आणि ते करून घेतील. ते मुंबई में विधायक नितेश राणे ने उद्धव ठाकरे पर बच्चों के भविष्य के लिए प्रश्न उठाए हैं. विधायक नितेश राणे का कहना है कि मुंबई में 269 अनधिकृत स्कूलों की संख्या है. हमने अब तक दुकानें अनधिकृत रास्ते सुने हैं लेकिन अब बात अनधिकृत स्कूलों की है जिसका सीधा संबंध उन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य से हो सकता है. स्कूलों का निर्माण किस तरह से है इसकी जानकारी कम से कम बच्चों के माता पिता को भी होनी चाहिए. नितेश राणे ने उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर प्रश्न पूछे हैं कि इन स्कूलों के निर्माण की बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी किसकी है और इस मामले में उद्धव ठाकरे क्या कदम उठाएंगे. आमच्या मुंबई महापालिकेचं कौतुक माननीय मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे नेहमीच करतात. कधी WHOचा दाखला देतात कधी मुंबई पॅटर्नबद्दल गवगवा करतात. पण ह्याच मुंबई पॅटर्न अंतर्गत 269 अनधिकृत शाळा येतात का हा प्रश्न आज मला त्यांना विचारायचा आहे. मुंबईमध्ये 269 अनधिकृत शाळा आहेत. आतापर्यंत आपण अनधिकृत दुकानं ऐकली अनधिकृत बांधकाम ऐकले अनधिकृत रस्ते ऐकले पण मुंबई पॅटर्न अंतर्गत 269 अनधिकृत शाळा हे नेमकं कोणाच्या आशीर्वादाने सुरू आहे. या विद्यार्थ्यांचं भविष्य कोणाच्या हातात आहे. पालकांना तरी याबद्दलची माहिती दिली आहे का. आणि या सगळ्याबद्दल माननीय उद्धवजी ठाकरे भूमिका घेणार आहेत का. या शाळेमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचं भविष्याची गॅरंटी ते घेणार आहेत का हा प्रश्न आज मी त्यांना पत्र लिहून विचारलेला आहे. त्यांनी आम्हाला ह्याबद्दलची भूमिका स्पष्ट करावी नाहीतर विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी आम्हाला रस्त्यावर उतरायलाच लागेल. सोलापूर के एडोरा हॉस्पिटल में पहली बार लिंग परिवर्तन की शस्त्रक्रिया पूरी होने में सफलता प्राप्त हुई है. डॉक्टर शरण हिरेमठ इन्होंने यह संभव कर दिखाया. 2 वर्षों के अथक परिश्रमों के बाद एक पुरुष का महिला में रूपांतरण किया गया है. लिंग परिवर्तन की यह सफलतापूर्वक घटना सोलापुर के डॉक्टर शरण हिरेमठ इनके अथक प्रयासों से संभव हुई है. लिंग परिवर्तन कर पुरुष का महिला में रूपांतरण किया गया है और यह परिजनों के सम्मति मानसिक रोग तज्ञ के सलाह के बाद ही इस प्रक्रिया को शुरुआत की जाती है. लिंग परिवर्तन करने वाले व्यक्ति की पहचान गुप्त रखी गई है. सोलापुर में लिंग परिवर्तन की इस सफलतापूर्वक घटना के बाद ग्रामीण भाग में लिंग परिवर्तन की इच्छा रखने वालों के लिए आसानी हो गई है. इस शस्त्रक्रिया के लिए 1 से 1.5 लाख रुपयों का खर्चा आता है लेकिन लिंग परिवर्तन के बाद यह स्त्री बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी ऐसी जानकारी डॉक्टर शरण हिरेमठ इन्होंने दी. गुड मॉर्निंग एवरीवन. मैं डॉक्टर शरण बसवा हिरेमठ हूँ. मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ. मेरा अडोरा हॉस्पिटल क्लिनिक है इधर VIP रोड एम्प्लॉयमेंट चौक. अभी जो मैंने जो ट्रांसजेंडर जैसे जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन सेक्स चेंज ऑपरेशन जो पहली बार सोलापुर में हुआ है जो मेल से फीमेल हुआ है जैसा नॉर्मली इनका 2 साल से ट्रीटमेंट चलता है. जैसा पहले आते हैं और आते हैं उनको क्या बनना चाहते हैं उसका
उनके बारे में जानकारी पूरा हासिल करते हैं। उसके बाद में अपन उनको साइकेट्रिस्ट के पास, मानसिक रोग तज्ञ के पास भेजते हैं। वो काउंसलिंग करके, उनका कोई दबाव नहीं है, उनका इंटरेस्ट क्या है वो, इसके लिए वो पेशेंट से बातचीत करके पता लगाते हैं। फिर थोड़े दिन के बाद वो कंफर्म करते हैं कि पेशेंट नॉर्मल है, पेशेंट को अपने आप ही मेल से फीमेल बनने का है या फीमेल से मेल बनने का है। ये नॉर्मल थिंकिंग है, हर कोई को अपना जो डेमोक्रेटिक कंट्री में जो भी उनको चाहिए वैसा जीने का अधिकार है, इट इज़ राइट, इट इज़ ए बेसिक। तो वो जो भी बनना चाहते हैं उसके अनुसार अपन ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो रहता है साइकेट्रिक ट्रीटमेंट रहता है, उसमें उनका काउंसलिंग होता है और उनके जो फादर मदर है उनका पूरा परिवार का काउंसलिंग होता है और उनको बताते हैं कि ये नॉर्मल है और उनको प्रोत्साहन या उनको सपोर्ट करना ज़रूरी है पेरेंट्स को, ठीक है। उसके बाद में जब मानसिक रोग तज्ञ बोलता है कि ये नॉर्मल है, देन उनको अपन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हार्मोन थेरेपी के पास स्टार्ट करते हैं। हार्मोन थेरेपी एक 6 महीने का हार्मोन थेरेपी रहता है। उसके बाद में उनका पूरा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन जो मेल से पूरा फीमेल बनने का स्टार्ट हो जाता है, उसमें जो बॉडी का हेयर चला जाता है और उसका जो भी ब्रेस्ट का थोड़ा बहुत साइज बढ़ जाता है और फैट जो डिपोजिशन रहता है फीमेल का, बॉडी फैट डिपोजिशन चालू हो जाता है। फिर 6 महीने के बाद अपन उनको फिर से काउंसलिंग करके उनका एक जो प्राइवेट का जो जेनेटिल है, एक्सटर्नल जेनेटिल है या जो रहता है मेल का, जो रहता है फीमेल करने का है, फीमेल से मेल करने का है, जो ऑपरेशन रहता है वो ऑपरेशन तो मेजर ऑपरेशन में आता है, प्योरली एक्सक्लूसिवली स्किल रहता है वो, जो प्लास्टिक सर्जन करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में करते हैं, इधर सोलापुर में हमने पहली बार किया है। उसमें जो रहता है जो लिंग बदलने का है पूरा कंप्लीट फीमेल करते हैं वो, जो नॉर्मल उसके बाद में भी उनका नॉर्मल रेगुलरली जो यूरिन करने का है या सेक्सुअल लाइफ जीने का है, एक्सेप्ट उनको बच्चा नहीं होता है बट नॉर्मल उनका फीमेल का लाइफ जी सकते हैं। कंप्लीट रिकवरी के लिए अराउंड 3 मंथ्स रखते हैं, 3 मंथ्स के बाद में उनका नॉर्मल जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है, रेगुलर एक्टिविटीज़ वो कर सकते हैं। उसके बाद में भी अपने को हार्मोन थेरेपी वो सब करना रहता है इनके। उसके बाद में उनको ज़्यादा बड़ा ब्रेस्ट चाहिए तो बड़ा सिलिकॉन इम्प्लांट्स डाल सकते हैं या बॉडी चेंजेस कर सकते हैं, तो अभी आगे भी अपन ऑपरेशंस कर सकते हैं। फिर चेहरे का हेयर्स के लिए उसका लेज़र हेयर रिमूवल करते हैं, उसका भी पर मंथली सेशंस रहते हैं, जो 7-8 बार हम लेज़र फेस के ऊपर कर देने के बाद परमानेंट हेयर लॉस चले जाते हैं परमानेंट के, तो फिर बाद में धीरे धीरे वो ऑलमोस्ट फीमेल लुक आ चुका रहता है और नॉर्मल अपना कंप्लीट लाइफ नॉर्मल फीमेल की लाइफ जी सकते। पानी की किल्लत, पर्यावरण संरक्षण, किसानों की आत्महत्या, युवाओं की दशा और दिशा, सोशल मीडिया का अति प्रयोग, अशांत लोकतंत्र, धार्मिक मुद्दों पर 25 साल का युवक न केवल कई जिलों बल्कि कई राज्यों के परिवर्तन के लिए काम कर रहा है। विवाद, भ्रष्ट राजनीति, 48 दिनों के इस सफर में इस युवक ने नरवन रत्नागिरी कोकण से आष्टी गढ़चिरौली तक का 1200 किलोमीटर का सफर पैदल ही पूरा किया है। कोकण के रत्नागिरी जिले के नरवन गांव के निवासी आशुतोष जोशी ने चिपलुन तालुका में शिक्षा प्राप्त की और मुंबई और पुणे में उच्च शिक्षा भी प्राप्त की। उसके बाद वे ललित कला का अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड चले गए। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वे 6 साल बाद भारत के लिए लौटे। उन्हें लगा कि वह दुनिया से 50 साल पीछे है। उन्होंने अपनी यात्रा 10 अप्रैल को शुरू की थी, जिसका उद्देश्य हर दिन 35 से 40 किलोमीटर पैदल यात्रा करना था। इस यात्रा के दौरान वह कुछ राज्यों का दौरा करेंगे, इसलिए सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा बैठक में फैसला किया गया। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन, पर्यावरण प्रेमियों के बारे में बात की। सूरज मधुरवार, PSI सिदाम, तुकाराम जादे, नीलेश संगमवर, संजय वाडस्कर, अशोक छिछरे, सुहास मधुरवार, सचिन चिंतावार, अशफक कुरैशी, समीर निमवागड़े, दीपक वंधारे, बबलू कुलमेठे, प्रसेनजीत डोंगरे, प्रमोद दुर्ग, विवेक राणा, राहुल मुकारतिवार, उसके बाद आदि आष्टी गणेश सिंगड़े के पत्रकार संजय भाऊ पांडे, रवि भाऊ नामवर, पराग भाऊ सहित बहुसंख्य नागरिकों ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चौक में स्वागत किया। शुक्रवार को आष्टी में रुकने के बाद वे छत्तीसगढ़ से आलापल्ली, भामरागढ़, हेमलक्ष से उड़ीसा जगन्नाथपुरी तक पैदल यात्रा करेंगे। माझं नाव आशुतोष जोशी, मी निघालोय चिपळूण रत्नागिरीचा राहणार आहे। मी निघालोय नरवणवरून आणि चाललोय ओडिसापर्यंत।
जाता जाता शेतकरी आत्महत्या, पाणी टंचाई आणि भारतामध्ये असलेली आत्ताची जी काही लोकशाहीची ढासळती परिस्थिती आहे या सगळ्यांवरती जनप्रबोधन लोकांशी बोलत पुढे जाते. मी राहायला इंग्लंडला असतो, मी ते सगळं सोडून इकडे आलो कारण की इथली परिस्थिती बघितली मी काय चालू आहे ती. आत्ताच्या तरी जे माझ्या वयाचे आहेत किंवा माझ्याहून लहान वयांचे आहेत त्यांना एवढंच सांगेन की आज आपल्याकडे एक गोष्ट हातामध्ये आले मोबाईल आणि लॅपटॉप. जर आपण त्याचा बरोबर वापर करायला सुरुवात केलं आणि आपण ह्याचा बरोबर वापर करायला सुरुवात केली तर आपण या सगळ्या सिस्टीम्समधून बाहेर पडू शकतो आणि आपल्याला पाहिजे तसं आपलं विश्व घडवू शकतो. इंडिव्हिज्युअल चेंज जर केला तरच उपयोग आहे. सोसायटीला बदलायचा प्रयत्न केला तर सोसायटी तुम्हाला मारून टाकेल, म्हणजे लिटरली मारून खाईल. त्यापेक्षा तुम्ही इंडिव्हिज्युअल चेंज करायला प्रयत्न करा, स्वतःमध्ये चेंज करा, स्वतःचं डोकं वापरायला लागा आणि सगळं बरोबर तुमचं बरोबर पुढचं विश्व बदलत जाईल. तो हा मी संदेश देईन सगळ्यांना. वीकेबी न्यूज के दोपहर की खबरों में बस इतना ही. फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ. तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज. नमस्कार.